घोरपुर थाना क्षेत्र के हथिगन गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मासूम को रौंदा, हुई मौत। प्रयागराज कर्शना तहसील क्षेत्र के घोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथिकन गांव के पास सामने तेज रफ्तार ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को नहीं देखा और बच्चा ट्रक की चपेट में आ जाने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना होने की सूचना जब परिजनों और गाँव वालों को मिली तो वहाँ पर देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई और घटना होने की सूचना कर्शना थाने में फोन के माध्यम से सूचित किया गया तो कर्शना थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को थाने में ले गया और घोरपुर थाना के प्रभारी राजेश उपाध्याय मैं टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और परिजन और गांव के लोगों के द्वारा घटना स्थल पर चक्का जाम भी किया और पीड़ित परिवार वालों ने उच्च अधिकारियों से परिवार की देखरेख के लिए मुआवजे की मांग भी की। जब चक्का जाम की सूचना पर उप जिलाधिकारी कर्शना विनोद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी कर्शना और कर्शना थाना के प्रभारी राकेश कुमार मैं टीम के साथ घटना स्थल पर मौजूद रहे। उच्च अधिकारियों के कहने पर पीड़ित परिवार के लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया और उच्च अधिकारियों ने मृतक बच्चे के माता पिता को आश्वासन दिया कि ट्रक चालक और ट्रक वाहन स्वामी पर उचित कार्यवाही की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। एस डी एम साहब आए तो क्या और आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? कुछ नहीं मांगे। ठीक, क्या कैसा घटना था ये? किस तरीके की घटना थी, क्या जानकारी देंगे? कितने बजे घटना है ये? कितने बजे का टाइम? ट्रक चालक पकड़ा गया नहीं अभी तक? ट्रक चालक पकड़ा गया, ड्राइवर पकड़ा गया नहीं? यहाँ पे चक्का जाम किया गया था, सीओ एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? तो आप संतुष्ट हैं ना? सर आज ये जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी तरफ से आश्वासन दिया गया है परिवार को भी मदद की जाए और ट्रक मालिक को भी, ट्रक ड्राइवर को तत्काल शीघ्र हम लोग उसको पहुँचे। सर कितने ट्रक थे? ट्रक कितना था जो जिसमें जो ये लोग का था, तो ट्रक पकड़ा गया कि नहीं? सर ट्रक तो है, ट्रक पकड़ा गया है। अच्छा, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक अभी नहीं आए हैं जी, उनको तो अब बहुत जल्दी हम लोग बुला के कानून कार्रवाई की गई। और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? मेरी तरफ से जी जी इनको आश्वासन दिया गया है, इनको हम क्योंकि भूमि बेशक पट्टा देंगे, जो और भी आर्थिक मदद करेंगे। बिल्कुल मतलब पूरी मदद की जाएगी, शासन और